प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां परवान पर है। प्रदेश में जिलेवार निर्वाचन विभाग की ओर से हायर किए जाने वाले वाहनों की सूची जारी की जा चुकी है। 23 नवंबर से देव उठने एकादशी के साथ ही शादियां शुरू हो जाएंगी और ऐसे में आम लोगों के साथ ट्रेवल एजेंसी संचालकों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 1000 से ज्यादा व्हीकल्स को निर्वाचन विभाग बुक करेगा चुनावों के लिए और इसी दौरान सावे भी हैं, तो कैसी समस्या फेस करनी पड़ेगी आम आदमी को और ट्रेवल्स कंपनियों को? मैं ट्रेवल एजेंट हूँ और इस पूरे 2 साल के अंदर जितना ज्यादा नुकसान इस ट्रेवल इंडस्ट्री को हुआ है, चाहे वो कोविड काल हो और चाहे वो चुनावों के, अब जो चुनावों के बारे में पता चल रहा है, गवर्नमेंट ने हमें एक अधिसूचना दी है कि गवर्नमेंट इस चुनावों के अंदर हमारे 1000 से ज़्यादा व्हीकल्स एक्वायर करेगा और वो ऐसे टाइम पे एक्वायरेशन चल रहा है कि जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा वेडिंग होगी, दिसंबर का महीना और नवंबर का महीना, दिवाली लेट होने के कारण पूरा टूरिस्ट जो होता है और वेडिंग सीजन जो होता है वो नवंबर में स्टार्ट होगा और दिसंबर में पीक सीजन होता है, उस समय गवर्नमेंट हमारी व्हीकल एक्वायर कर रहा है। और एक्वायरेशन तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हमें रेट्स भी जो दे रहा है वो ऐसी रेट्स दे रहे हैं कि जिससे हमारी किस्तें हमें जेब से देनी पड़ेगी। 50,000, 60-60, 65,000 रुपए की हमारी किस्तें हैं, ड्राइवर है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ आ रही है कि राजस्थान स्टेट का जो रोड टैक्स है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। हमारा सरकार से यही अनुरोध रहेगा, आप इक्विजिशन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें वो मानदेय जो तय है, जो राजस्थान मोटर गैरेज से हमारा मानदेय जो तय है, कम से कम वो हमें मिले। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे। और ट्रेवल इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट रहा है सरकार का, और सरकार ने सब लोगों को अपने अपने फील्ड में, कोविड में भी सरकार ने सब लोगों को अनुदान दिया, लेकिन हम ही ऐसा फील्ड रहा, हमारा ऐसा फील्ड रहा है कि जिसमें सरकार के द्वारा कोई भी सहायता ट्रेवल एजेंटों को, ड्राइवर्स को, एजेंसीज को कोई भी तरीके की सहायता नहीं दी गई है। उसके उपरांत भी हमारी गाड़ियाँ एक्वायर होगी और फिर हमें मानदेय उसका बराबर नहीं मिलेगा। 800, 1000, 900, 1500 रुपए देते हैं, उसमें आप सोच सकते हैं कि हम इनोवा क्रिस्टा जैसी गाड़ियां हैं, इनोवा जैसी गाड़ियां, ईटीओ जैसी गाड़ियां, जिनकी 20,000 से लेके 50,000, 55,000 की किस्तें आती है, वो हम कैसे देंगे? यही मेरा अनुरोध है सरकार से।